नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। जानेंगे कि गिरावट के बाद में आज सोने और चांदी का क्या भाव रह गया है। लेकिन इसी के साथ में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि आगे भी सोने और चांदी के भाव में ये गिरावट जारी रह सकती है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के इस दौर में सोने और चांदी की मांग में गिरावट है, इसी वजह से ये सोने और चांदी के दाम में भी गिरावट जारी रह सकती है और आने वाले समय में आपको सस्ती कीमत में सोना खरीदने को मिलेगा। बात करें आज के भारतीय सराफा बाजार की, तो आज सोने और चांदी के दाम में तेज गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोने का भाव 505 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट के साथ में बंद हुआ और इसके बाद में दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाला यानी कि 24 कैरेट सोने का नया भाव 46,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव आज गिरकर 1769 प्रति डॉलर औंस पर पहुंच चुका है। इसी के साथ में चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी के दाम में 828 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद में चांदी का दाम 67,312 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। जी हाँ, तो ऐसे में अगर आप भी सोने अथवा चांदी के गहने खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसी के साथ में आपको बता दें कि आने वाले समय में और भी सोने चांदी के दाम में गिरावट रह सकती है। यदि आप भी चाहते हैं कि सोने चांदी के भाव में और गिरावट आनी चाहिए तो अपना मत देने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और रोज सोने चांदी के ताजा भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए, काम की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।